हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और इंपॉर्टेंट होगी, तो लेट स्टार्ट नाउ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा डीडी फ्रेश पर एक न्यू चैनल भी अब होगा बंद, और दोस्तों डीडी फ्रेश शायद ही बंद हो जाए क्योंकि दोस्तों डीडी फ्रेश पर एक केस दर्ज हो गया है, और ऐसे ही अगर चलता रहा है तो जल्द ही डीडी फ्रेश को बंद कर दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर ले। तो गाइस पहले पूरी हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बाद बताएंगे क्यों दोस्तों ये केस दर्ज हुआ और क्या मैटर था और क्या पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते, तो प्लीज़ अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। तो लेट स्टार्ट ना हो आज का वीडियो, प्लीज़ गाइस डिसलाइक मत किया कर दिया। दोस्तों हमने आपका क्या किया है? दोस्तों हम लोग रियल वीडियो देते फिर भी आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, क्या मतलब क्या है? हम लोग वीडियो बनाना छोड़ दे, आप क्या कहना चाहिए? तो गाइस प्लीज़ डिसलाइक मत किया करिए दोस्तों, जानकारी बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्वामी फिल्म इंटरटेनमेंट PYT LTD फ्राइडे को एक मूव्ड में, मतलब उन्होंने बताया, TST एक कंपनी है जिन्होंने प्रसार भारती से कहा कि मतलब उनकी फ़ीस जो है कन्वर्सेशन कर दीजिए। मतलब प्रसार भारती से उन्होंने कहा कि मतलब पहले एप्लीकेशन लिखा था कि उस, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ जो कि मेरे नॉलेज के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। सो गाइस उन्होंने कहा था कि ये जो है मेरी फ़ीस का कन्वर्सेशन कर दीजिए, मतलब मेरी फ़ीस कट कर दीजिए क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने ऐसा स्वामी फिल्म द्वारा कहा गया था, ये सब वही लिखा है, मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ के सुना रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब उनकी फ़ीस का तो कन्वर्सेशन किया नहीं, लेकिन और कह दिया कि मतलब 3 महीने बाद आप इस फीस को अदा कर सकते हैं और इस पर आपका GST टैक्स प्लस और भी टैक्स जो भी होते हैं उनको आपको चुकता करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए मेरा उनके पास तो इतना पैसा है नहीं क्योंकि स्वामी फिल्म द्वारा 2 चैनल चलाया गया, तो सबसे पहला मूवीज़ प्लस और उसके सेकंड है हमारा सत्या चैनल जो कि अभी डीडी प्लस पर आने वाला था और चल भी रहा है मेरे हिसाब से। सो गाइस मैं आपको बता दूं, उन्होंने जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 महीने बाद अपना पेमेंट जो है आप लोग मतलब पे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो ऐसा पैसा है नहीं, तो मतलब आप लोग कट कर दीजिए, लेकिन नहीं किया तो इसके चलते स्वामी फिल्म द्वारा इनके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया है। तो यही अगर चलता रहा तो डीडी प्रेस पर सारे चैनल धीरे धीरे हट रहे। फिलहाल में आपको पता चला होगा कि 4 चैनल हटे, फिर इसके बाद ये चैनल हट रहा है, जो मूवीज प्लस जो नाम का चैनल है ये भी अब जल्दी ही डीडी प्रेस से हटा दिया जाएगा। तो जो प्रसार भारती कहते हैं सखी शेखर जी से उन्होंने बात भी किया, तो लेकिन कोई निश्चिंत वो नहीं निकला, मतलब ये वीडियो कॉलिंग द्वारा बात हुई थी क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी लोग घर पे ठहरे, इस वजह से ये बातचीत आपको बता दूं वीडियो कॉलिंग के जरिए हुई थी। गैस मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसे ही प्रोसेस चलती रही तो डीडी फ्रेश पर बहुत सारे चैनल तो हटेंगे प्लस डीडी फ्रेश भी बंद हो जाएगा, सिर्फ और डीडी के चैनल रह जाएंगे और कोई चैनल नहीं हो पाएंगे क्योंकि दोस्तों डीडी फ्रेश को ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको राय देना ज़रूरी है कि आपको क्या मतलब सही है क्या गलत है, कि डीडी फ्रेश ने सही किया है गलत किया, आप जानकारी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में हमें दीजिएगा और अपनी राय को ज़रूर से हमें सजेस्ट करिएगा ताकि हम लोग भी समझें कि मतलब आपको क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। और दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस, और मैं आपको बता दूं अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही थी तो हमने वीडियो बना के दे दिया, अब आप लोग को जैसा भी लगे वैसा करिए, और दोस्तों अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब नाउ, धन्यवाद।